सारी चीजें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां, कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी। विकास मित्र के एमएलसी का आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था और इसमें तेजस्वी यादव भी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लोग आपस में सीट बंटवारा नहीं कर पाएंगे और इन लोगों में खटास पैदा होगी और सरकार जो है इधर उधर होगी, यह कयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सिरे से जवाब दिया है कि जब 2015 में हम लोग साथ में थे और इतनी ज़्यादा सीटें थी, उसके बावजूद भी बहुत आसानी से सब कुछ हो गया था। अब तो 40 सीट की ही बात है, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो महागठबंधन में लोग थे और जो कूद कूद कर NDA में गए हैं, उनसे पूछिएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव ने NDA के खेमे में जो महागठबंधन से लोग गए हैं उनको लेकर जो है किस तरीके से जवाब दिया है, पहले इस पूरे बयान को आप सुनिए। भाई पीछे थोड़ा पीछे, भैया थोड़ा हाथ पीछे कीजिए ना, भैया भैया अभी भी हाथ थोड़ा पीछे कर लीजिए ना, इधर इधर। के बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, हम तो पहले भी कहे थे अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह कर देश में ही जो है जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जाति जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर अभी भी कई लोग हैं बिहार में जो चाह रहे हैं कि कब आपका गठबंधन टूटे, एक आस लगाए बैठे हैं कि अलायंस कब टूटेगा, ऐसी बातें हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है, जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां, कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हों, कल्की मरकज हों, आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं और इससे बेचैनी तो होगी, क्योंकि अब भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। गिरिराज बोलने का है कि अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं, बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी की जो सांसद पैसा लेकर सवाल पूछती है, बेकार का आरोप है और इस पर तो हमको पढ़ना नहीं चाहिए। देश की जनता जान रही है कि हो क्या रहा है, जो सवाल पूछ रहे हैं जो सच बोल रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाती है। तो एक खास है देश के जिसके वजह से बीजेपी पार्टी जो है चलती है, तो उसके बचाव के लिए जो भी भाजपा के सांसद जिनका नाम ले रहे हैं वो क्या क्या करते हैं नहीं नहीं करते हैं, हर एक राजनेता हर एक पॉलिटिशियन जो है उनके बारे में जानता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। वो अपनी डिग्री हो, प्रधानमंत्री जी की डिग्री हो, वो सब लोग जो है सच्चाई तो उस जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनका क्या काम है एमपी होने के नाते
ये पूरा देश की जनता इधर देख ही नहीं बल्कि जो पत्रकार है जो बहुत शुरू से ही जो राजनीति को देखते आए हैं ऑब्जर्व करते हैं उन सबको भी पता है कि क्या हो रहा है। और महुआ मित्रा जो है पढ़ी लिखी महिला है जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ से सबसे बड़े बैंक में उन्होंने काम किया है एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया है और ये मामूली बात नहीं है तो उनकी काबिलियत पे तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते। जो लोग ये कर रहे हैं ये तो पार्लियामेंट का जो गुस्सा है वो निकाला जा रहा है। पार्लियामेंट में एक खास लोग के बारे में बात की जा रही है उनके प्रति सवाल उठाया जा रहा है तो कार्रवाई हो रही है। तो चरित्र हनन करना बदनाम करना तो ये बीजेपी का पुराना से ही जो है मॉडल रहा है। सर आप उसी आपको गिरिराज सिंह सर गिरिराज सिंह जो इंडिया में इसको लेकर समाज नहीं होता तो तृतीयकरण की राजनीति नहीं होती।